मैं टाइगर सिटी सवाई माधोपुर बोल रहा हूँ। मैं प्रसिद्ध हूँ मेरे यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर विंध्य और अरावली से घिरे चार दर्रे 84 घाटी के बीच बने भव्य रणथंभौर किले के लिए और प्राकृतिक छटाप जैसे इतिहास प्रेमियों को खूब मोहित करने वाली है। मेरे यहाँ के मंदिरों की भी कोई न कोई कहानी अवश्य है। मेरा जिला महान मेरे चौहान शासक राणा हमीरदेव और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए माना जाता है, जो कि मेरे विश्व प्रसिद्ध बागों के लिए जाना जाता है। दर्शकों, मैं आज आपको मेरे शहर के दर्शनीय और पर्यटक स्थलों के बारे में बताने और घुमाने वाला हूं और अपनी पूरी आत्मकथा आपको सुनाने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं मेरी स्थापना, नामकरण और क्षेत्रफल तथा विस्तार की। मेरी स्थापना 9 जनवरी 1763 को जयपुर के महाराज सवाई माधो सिंह प्रथम ने की थी तथा उन्हीं के नाम पर मेरा नाम सवाई माधोपुर रखा गया। उसके बाद से प्रतिवर्ष मेरे निवासी 9 जनवरी को मेरा जन्म यानी स्थापना दिवस मनाते हैं। राजस्थान का प्रथम जौहर भूमि होने का गौरव भी मेरे रणथंभौर किले को जाता है। मैं अगर मेरे क्षेत्रफल की बात करूं तो मैं कुल 10,527 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हूं और जो कि मुझे एरिया के हिसाब से राजस्थान का 12वां बड़ा जिला बनाती है। और मेरी जनसंख्या की यदि बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे जिले की कुल जनसंख्या 13,35,551 है, जिसमें हिंदुओं की संख्या 74.71% है। वहीं मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या मुझमें 20% है, जैन धर्म मुझमें 4.38% और बाकी अन्य धर्म जैसे सिख, ईसाई आदि मुझमें निवास करते हैं। मेरे पड़ोसी जिलों की बात करूं तो मैं कोटा, करौली, दौसा और टोंक के साथ सीमा साझा करता हूं तथा मेरी सीमा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी लगती है। अगर आप RJ-25 की रजिस्टर्ड गाड़ी पूरे देश में कहीं भी देखें तो जरूर समझ जाएगा कि ये मेरे सवाई माधोपुर की है। मैं अगर मेरे यहाँ के स्थानीय फेमस भोजन की बात करूँ तो वो इस प्रकार है। मोतीचूर के लड्डू, मेरे गंगापुर की रबड़ी, खरबूजे के लड्डू और फेमस अमरूद। राजस्थान का प्रथम साका भी मेरे ही किले में हुआ था। इसके संबंध में कहा जाता है कि जब मेरे रणथंभौर दुर्ग पर क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब मेरे शासक शिव भक्त हमीरदेव ने अपनी सेना के साथ केसरिया धारण करके साका किया। मुसलमानों की सेना बड़ी थी, फिर भी राजपूत ने अपना पराक्रम दिखाया और मुगलों को दुर्ग से खदेड़ दिया और उनके मुस्लिम झंडे भी छीन लिए। जब विजय पताका फहराते हुए राजपूत योद्धा मुस्लिम झंडों को लेकर दुर्ग में प्रवेश कर ही रहे थे कि राजपूत स्त्रियों ने समझा कि राजपूत हार गए हैं। ये सोचकर उन्होंने जल कुंड में कूद कर जौहर कर लिया और मेरे शासक हमीर चौहान को अपनी भूल का एहसास हुआ और मेरे महाराज हमीर ने प्रायश्चित करने हेतु किले में स्थित शिव मंदिर पर अपना मस्तक काटकर शंकर भगवान को शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अलाउद्दीन को जब इस घटना का पता चला तो उसने वापस लौटकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। मेरे महाराज हमीर अपने वचन से पीछे नहीं हटे और शरणार्थी को नहीं लौटाया, चाहे इसके लिए उन्हें अपने पूरे परिवार की बल ही क्यों न देने पड़ी। इसलिए कहा गया है, सिंह सवन सत पुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूसरी बार। अब मैं सवाई माधोपुर आपको मेरे यहाँ के प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों के दर्शन कराने ले चलता हूँ। सबसे पहले चलते मेरे रणथंभौर किले में स्थित श्री गणेश जी के मंदिर। गणेश जी के इस मंदिर में एकमात्र धड़ रहित केवल सिर वाली प्रतिमा स्थापित है और इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है। गणेश मंदिर सवाई माधोपुर का प्रमुख आकर्षण है। देश के हर हिस्से से हजारों लोग सुख समृद्धि के इस देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। आपको बता दूं, 5वीं सदी में बना है, भारत के सबसे प्राचीन गणेश मंदिरों में से एक है। त्रिनेत्र गणेश के नाम से प्रसिद्ध भगवान गणेश मेरे पर्यटकों की आस्था का केंद्र है। अब हम चलते हैं मेरे घुरमेश्वर महादेव के मंदिर। यह मंदिर मेरे शिवाड़ कस्बे में स्थित है। मेरे इस महादेव मंदिर में भोलेनाथ का 12वां यानी अंतिम ज्योतिर्लिंग स्थित है। अब दर्शन करते हैं देवी चौथ माता के मंदिर की। चौथ माता मेरे यहाँ के
और राजस्थान में निवास करने वाले कंजर समुदाय की आराध्य देवी हैं, जिनका प्रसिद्ध मंदिर मेरी चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर महिलाएं उनके पति की दीर्घायु की कामना करते हुए कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ के अवसर पर चौथ का व्रत रखती हैं। यह मंदिर मेरे जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर चौथ का बरवाड़ा कस्बे में है। राजस्थान के सुप्रसिद्ध 11 मंदिरों में शामिल श्री चौथ भवानी माता का मंदिर राजपुताना शैली में सफेद संगमरमर से निर्मित है। इस मंदिर की स्थापना महाराज भीम सिंह चौहान ने सम्मत 1451 में बरवाड़ा गांव में अरावली पर्वत श्रृंखला के शक्ति गिर पर्वत पर 1100 फीट ऊंचाई पर की थी। यह मंदिर राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय व सुप्रसिद्ध 11 मंदिरों में से एक है। नवरात्रि के समय वह वर्ष भर की चार बड़ी चतुर्थियों का करवा चौथ, बैसाखी चौथ, भाद्रपद चतुर्थी एवं माघ चतुर्थी पर माता जी के विशाल मेले भरते हैं, जिनमें लाखों की तादाद में देश भर से दर्शनार्थी माता जी के दर्शन हेतु पधारते हैं। अब आता है चमत्कार मंदिर। मेरे यहाँ का यह मंदिर सबसे पुराना और सबसे सुंदर जैन मंदिरों में से एक है। मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है और कई जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी हैं। एक प्रचलित मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आप जब भी मेरे सवाई माधोपुर आ रहे हैं तो मेरे सुंदर मंदिर को भी अपनी सूची में जरूर जोड़ लें। चलिए अब चलते हैं मेरे धुंधलेश्वर जी के मंदिर। मेरे गंगापुर सिटी के पास धुंधलेश्वर जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। इस मंदिर में भगवान आशुतोष जी का शिवलिंग स्थित है। आपको बता दूं, धुंधलेश्वर जी का मंदिर शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित हरी सुंदर सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। एक झरना है और यह शहर और आसपास के गांव के लिए मनोरंजक स्थान के रूप में भी कार्य करता है। आप यहां भी आकर आनंद उठा सकते हैं। अब है मेरे रामेश्वर मंदिर। यह मंदिर मेरे खंडार तहसील में चंबल, बनास और शीप नदियों के संगम पर स्थित है और यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। अब आप मेरे साथ दर्शन करेंगे मेरे अरणेश्वर महादेव सप्तकुंड। मेरे भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर सप्तकुंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान पर चतुर्दशी पर शिव भक्तों को आकर्षित तो करता ही है, साथ ही बड़े बड़े कुंड में अविरल गिरती हुई गौमुख से जलधारा हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। कई बार नाग देवता शिवलिंग से लिपटे देखे गए हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ पर हर साल मेला लगता है, जिसमें भव्य कवि सम्मेलन, भगवान शिव के भजनों पर भक्तगण मंत्रमुग्ध होते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं सवाई माधोपुर आपको मेरे प्रसिद्ध दुर्गों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मेरी आन बान शान रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग मेरे शहर के रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर दूर रण और थम नाम की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 481 मीटर ऊंचाई पर 12 किलोमीटर की परिधि में बसा है। मेरे रणथंभौर दुर्ग को यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। मेरे रणथंभौर दुर्ग का निर्माण राजा सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था। मेरे इस दुर्ग में विशाल प्राचीर से सुदृढ़ 7 दरवाजे हैं, जिस प्रकार है नवलखा पोल, हाथिया पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल और दिल्ली पोल है। मेरे रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने यही कहा है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। मेरे रणथंभौर दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा राज्य का एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है। मेरे ये दुर्ग राज्य का दूसरा यानी चित्तौड़ के बाद सबसे बड़ा अजय दुर्ग है। मैं सवाई माधोपुर मेरे किले में स्थित महत्वपूर्ण स्मारकों और महलों की बात करूं तो मेरे रणथंभौर किले में हमीर महल, रानी महल, हमीर बड़ी कचहरी, छोटी कचहरी, बादल महल, 32 खंबा छतरी, छवरा भवरा, अन्न भंडार, कुछ हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त एक जैन मंदिर की भी यहाँ पर स्थापना है। चलते चलते आप मेरे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के रास्ते में सुंदर पहाड़ियों के बीच पवित्र अमरेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में यहाँ का प्रमुख पिकनिक स्पॉट भी है। अमरेश्वर महादेव का मंदिर पहाड़ के ऊपर स्थित है, पास में सीताराम जी का मंदिर बना हुआ है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर सप्तक कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। पिकनिक आदि करने के लिए यह जिले के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह स्थान
हर चतुर्दशी पर शिव भक्तों को आकर्षित तो करता ही है, साथ ही साथ बड़े कुंड में अविरल गिरती हुई गौमुख से जलधारा हर किसी को रोमांचित कर देती है। कई बार नाग देवता शिवलिंग से लिपटे हुए रहते हैं। चतुर्दशी को यहाँ पर हर किसी को आकर्षित करता है। यहाँ का आनंद लेने के बाद आप मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे। अब मैं आपको घुमाने वाला हूँ मेरे तारागढ़ में स्थित खंडार किले में। मेरे इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले के शासकों ने कभी हार नहीं देखी। मध्यकाल में बना मेरा तारागढ़ खंडार किला मेरे शहर से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले के निर्माण को लेकर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इतना तय है कि 12वीं शताब्दी में यह किला अपनी उन्नति के चरम पर था। इस किले का निर्माण प्राचीन भारतीय वास्तु शैली में किया गया है। इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि दुश्मन के लिए इस पर आक्रमण करना कठिन होता था, इसलिए इस किले को अजय किला भी कहा जाता है। इस दुर्ग के नीचे का अत्यंत प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है, जो कि एक किले के निर्माण के समय का ही है। इसका आकार अर्धचंद्राकार है। इस किले के ऊपर एक प्राचीन मां जयंती का मंदिर भी स्थित है। मैं आपको ले चलता हूं मेरे प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य की कुदरती दिलकश नजारों की ओर। मेरी आत्मा कहे जाने वाले मेरे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मेरी यह राष्ट्रीय उद्यान मेरे मुख्य शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर 392 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह उद्यान अरावली और विंध्य की पहाड़ियों में फैला है। यहाँ स्थित 3 झीलों के पास बाघों के दिखाई देने की अधिक संभावना रहती है। बाघ के अलावा यहाँ चीते भी रहते हैं। आपको बता दूं, चीते उद्यान के बाहरी हिस्से में अधिक पाए जाते हैं। इन्हें देखने के मेरी कचीदा घाटी सबसे उपयुक्त जगह है। बाघ और चीतों के अलावा मेरे उद्यान में सांबर, चीतल, जंगली सुअर, चिंकारा, हिरण, सियार, तेंदुए, जंगली बिल्ली और लोमड़ी भी पाई जाती है। जानवरों के अलावा पक्षियों की लगभग 264 प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती हैं। मेरे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की प्रसिद्ध बाघिनी मछली, जो कई सारे नेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है। अब चलते हैं मेरे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य। मेरे इस अभ्यारण्य को घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है। मेरा यह अभ्यारण्य राज्य का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य है। मेरा यह अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त सीमा में फैला हुआ है। मेरा अभ्यारण्य मेरे अलावा करौली, धौलपुर और कोटा में फैला हुआ है। आप सबसे पहले यहाँ आकर प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। सवाई माधोपुर राजमार्ग पर ही आपको हाथी भाटा नजर आएगा। एक ही पत्थर से निर्मित यहाँ शानदार जीवित आकार का पत्थर का हाथी है। इसे स्मारक में एक शिलालेख है जो राजा नल और दमयंती की कहानी को बताता है। मेरे शहर के पास एक दिन के पिकनिक और फोटोजेनिक सूर्योदय के दृश्य को कैद करने के लिए स्थान सबसे सुंदर है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और भव्य जंगलों से युक्त अब मैं आपको काचीदा घाटी ले चलता हूँ। एक सुंदर दृश्यों की घाटी है और मेरे शहर में घूमने के लिए सबसे मनोरम स्थानों में से एक है। वन्य जीवों के शौकीन और प्रकृति के प्रति उत्साह लोगों के लिए एक आदर्श स्थान यह जंगली सुअर, सुस्ती भालू और पैंथरों का घर है। यहाँ पर जीप सफारी, स्पॉट वाइल्ड लाइफ का आनंद लें और मेरे आसपास के जंगलों के बेहतरीन दृश्य को प्रशंसा करें, उससे मुझे प्रसन्नता होगी। अगर आप मुझसे मिलने आ रहे हैं तो आपको बता दूं, मैं स्टेट कैपिटल श्री जयपुर से करीब 175 किलोमीटर दूर, जोधपुर से करीब 450 किलोमीटर, अजमेर से करीब 250 किलोमीटर, उदयपुर से करीब 395 किलोमीटर और नेशनल कैपिटल सिटी दिल्ली से करीब 390 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूँ। अगर आप मेरे शहर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप सड़क, हवाई और रेल मार्ग द्वारा यात्रा कर सकते हैं। जो भी पर्यटक मेरे शहर की यात्रा हवाई मार्ग द्वारा करना चाहते हैं, उनके लिए बता दूं कि मेरा निकटतम हवाई अड्डा मेरे शहर में एक हवाई पट्टी है, जिसका उपयोग निजी जेट विमानों के लिए किया जाता है और सुप्रीम एयरलाइंस ने 11 अप्रैल 2018 में सवाई माधोपुर और दिल्ली के बीच नियमित उड़ान संचालन शुरू किया है। मेरे शहर में कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन जयपुर हवाई अड्डे से हवाई मार्ग से मेरे शहर पहुंचा जा सकता है, जो 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयपुर हवाई अड्डे से सवाई माधोपुर, रणथंभौर दुर्ग और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ली जा सकती है। अगर आप मेरी सैर ट्रेन से करना चाहते हैं, जिले का निकटतम रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर जंक्शन है, जो देश के सभी प्रमुख रेल संपर्कों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सवाई माधोपुर स्टेशन पर कई बसें, जीप और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। मैं सवाई माधोपुर मेरे शहर में आने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं।
आपको मेरी आत्मकथा में कौन से स्थान व्यक्ति ने सबसे अधिक आकर्षित किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।